अंतरिक्ष में करिश्मा करने से भारत अब बस चंद घंटे दूर है। आज का दिन भारत और इसरो के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 उड़ान भरेगा। चंद्रयान 2 को बाहुबली के नाम से मशहूर रॉकेट 2:43 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। इसकी उल्टी गिनती रविवार शाम 6:43 से ही शुरू हो गई थी। इस रॉकेट का वजन 640 टन और इसकी लागत 375 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की सही ऑर्बिट में पहुंचाने की जिम्मेदारी इसरो ने अपने सबसे बड़े रॉकेट GSLV-3 को दी है। इस रॉकेट को हम बाहुबली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रॉकेट की ताकत और क्षमता को देखते हुए स्थानीय मीडिया ने इसे बाहुबली का नाम दिया है। भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन के अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश भर से हजारों लोग श्रीहरिकोटा पहुंच रहे हैं। चंद्रयान 2 के लॉन्च को देखने के लिए 7,500 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए इसरो ने खास तैयारियां भी की हैं। इसरो के लोगों के लिए इसरो ने लगभग 10,000 लोगों की क्षमता वाली एक अलग गैलरी बनाई है, जहां से लोग इस नजारे को देख सकेंगे। भारत चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों की फहरिस्त में शुमार है। भारत के अलावा सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस व चीन ने चांद पर अपना यान उतारा है। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 ने दुनिया को बताया था कि चांद पर भी पानी है। 11 साल बाद अब एक बार फिर भारत चांद पर अपना नया मिशन पूरा करने जा रहा है। चंद्रयान 2 चांद पर पानी की मौजूदगी के कई ठोस सबूत देगा। इसरो के मुखिया के सिवन ने बताया कि इस मिशन से चांद की सतह का नक्शा तैयार करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही चांद की मिट्टी में कौन कौन से खनिज मौजूद हैं इसका राज भी चंद्रयान 2 खोलेगा। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि चंद्रयान 2 पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े कई राज भी खोलेगा, साथ ही इस अभियान से धरती के सौर मंडल से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी सामने आने की उम्मीद है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।